साथियों नमस्कार। राजस्थान मिशन 2030 जिसमें सरकार द्वारा राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आमजन किसान या पशुपालक और हर कर्मचारी अधिकारी वर्ग से सुझाव मांगे गए हैं। जो सुझाव हमें राजस्थान मिशन 2030 की साइट पे देने हैं, साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का होम पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले अधिकारी कर्मचारी को कैसे सुझाव देना है। अधिकारी कर्मचारी के आइकन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पंजीकरण का ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको अपनी SSID एंटर करनी है। SSID एंटर करने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने SSID की डिटेल है वो आ जाएंगी, आपका नाम मोबाइल नंबर आ जाएगा, उपयोगकर्ता पंजीकृत करेंगे ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने SSID से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे आई हुई OTP एंटर करने का ऑप्शन आएगा। वो OTP आप एंटर कर जो ही आप सत्यापित करेंगे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका पंजीकरण राजस्थान मिशन 2030 पे हो जाएगा और सुझाव फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले अपना विभाग सेलेक्ट करना है। कृषि या पशुपालन के लिए कृषि विभाग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेक्टर आपको लेना है कृषि एवं संबंध सेक्टर, उसका ऑप्शन आप ले लेंगे। उसके बाद विभाग आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका विभाग है वो ले लें और जो भी सुझाव आपको राजस्थान को वर्ष 2030 तक बेहतर राज्य बनाने के लिए जो सरकार ड्राफ्ट बना रही है उसके लिए आपको जो सुझाव देना है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीका है कैसे अधिकारी कर्मचारी को अपना सुझाव देना है राजस्थान मिशन 2030 के लिए। अब नागरिकगण या किसान पशुपालक या आमजन को कैसे देना है उसके लिए आप नागरिकगण के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सुझाव फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस सुझाव फॉर्म में आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उसके बाद आपको जिला सेलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मेल या फीमेल जो भी अप्लीकेबल है वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसमें एज फिलअप कर देंगे। एज फिलअप करने के बाद आपको अपना व्यवसाय भरना है, व्यवसाय आप निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, या आप किसान हैं, या आपका खुद का रोज़गार है, जो भी आपके लिए लागू है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दो ऑप्शन इसमें और हैं सुझाव आमंत्रित करने से पहले, वो अगर आप भरना चाहें तो वो भर सकते हैं। पहला है आपके विचार से राजस्थान राज्य किन सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन करना है, इसमें आपको एक या दो या तीन जो भी आप ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दूसरा है इसमें वर्ष 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए आपके विचार से सरकार को किन सेक्टर पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको सुझाव फॉर्म में ये सरकार के पास आपके ये डाटा भी जाएंगे, आपको जिस क्षेत्र में लगता है सुधार करने की आवश्यकता है वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने जिस विभाग के लिए आपको सुझाव देना है उसमें आपको सेक्टर आपको सेलेक्ट करना होगा, सेक्टर जैसे कृषि और संबंध सेक्टर आपने चुन लिया। उसके बाद विभाग आपको सेलेक्ट करना है, पशुपालन विभाग या जिस विभाग के लिए आपको देना है उसमें आप सेक्टर सेलेक्ट कर विभाग, उस पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब पशुपालन विभाग को बेहतर बनाने के लिए आपको जो सुझाव देना है, हर पशुपालक किसान जिस आमजन जिसको भी देना है वो आप इसमें फिलअप कर देंगे। सुझाव भरने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सुझाव राजस्थान मिशन 2030 के लिए सबमिट हो जाएगा। राजस्थान मिशन 2030 में अपने सुझाव सबमिट करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आज के इस वीडियो में बताया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने सुझाव जरूर सबमिट करें।